तो नमस्कार छात्रों, यहाँ पर देख लीजिए, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 वालों के लिए हिंदी का पेपर। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, 2024 का है सेट, ये बी है, ठीक है, और ये सेट सी है, पूरे के पूरे सेट हमारे पास हैं। आपको ये डी सेट है और ई सेट और आपको दिखा दे देंगे। देखिए, पाँचों पाँच सेट हमारे पास हैं, पूरे के पूरे सेट आपको बताएंगे। ये पूरे यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेंगे, केवल हमारे ही चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए, आपको ज़्यादा कुछ देरी नहीं करते हैं, इसका आपको सेट ए दिखाते हैं, हिंदी का पेपर वार्षिक परीक्षा। तो ठीक है, तो यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट होता है। तो देखो, सबसे पहला आपका है प्रश्न क्रमांक एक में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपको पहले सही विकल्प देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको 6 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो पहला देख लीजिए, रीतिकाल के कवि थे। तो कौन थे इनके कवि रीतिकाल के? तो इसके लिए देखो, आपको विकल्प दिए गए हैं आ, बा, सा और ता। तो इसमें से जो भी इसका सही उत्तर होगा वो आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, दूसरा वाला है तुलसीदास जी रचना है, ठीक है, तुलसीदास की रचना है। तो इसमें कौन सी रचना हो जाएगी? तो इसके लिए आपको विकल्प दिए गए हैं, जो भी इनकी रचना हो जाएगी वह आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद तीसरा आप लोग देख सकते हैं, दसवें रस का नाम है। तो दसवें रस का नाम क्या है वो आपके सामने है, ठीक है, श्रृंगार, भयानक, वीर, बादसच, ठीक है। तो इसी प्रकार से चौथा देख लीजिए, बाल गोविंद भगत शाह मानते थे, ठीक है, भगत साहब मानते थे, क्या मानते थे, सूरदास, तुलसीदास, ठीक है, नागार्जुन, कबीर। तो जो भी हो जाएगा वो आपको कर लेना है। पाँचवें में आप लोग देख सकते हैं, पाँचवा आपका, वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो ठीक है, इसमें आपको पहले देख सकते हो परिमाणवाचक, ठीक है, इसके बाद रीतिवाचक, और यहाँ पर देखिए स्थानानवाचक और कालवाचक। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपका चौथा है, ठीक है, सॉरी, ये आपका लास्ट हुआ है छठवा, ठीक है। इसमें देखिए, बालक तार के केशवरनाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, ठीक है। तो किसका टीका लगाते थे? चंदन का, रोली का, यहाँ पर देखिए भभूत का, और यहाँ पर देखिए कुमकुम का, ठीक है। तो जिसका भी लगाते थे आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। तो इनके आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका आता है, देख लीजिए, इसमें आपके देखने को मिलती हैं आपको यहाँ पर खालिस्तान, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं, दूसरे में रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो इसमें आपको पहले देखने को मिल रहा है, देख लीजिए, सूर्यदास के खालिस्तान गुरु थे। तो कौन थे? देखिए, वल्लभाचार्य और परशुराम रामदास, ठीक है। तो इसमें से आपका जो भी हो जाएगा वो आपको कर देना है। और दूसरा आप लोग कर लेना, ठीक है, दूसरा चौपाई चंद के प्रत्येक पंक्ति में खालिस्तान मात्राएं होती हैं 11, 16, 21, जो भी हो जाएगा कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको तीसरा वाला कर लेना है, चौथा, पाँचवा और छठवा आप लोग इनको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपकी जोड़ियाँ आती हैं प्रश्न क्रमांक 3 में, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप लोग, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसमें भी आपको 6 नंबर देखने को मिलेंगे। पहला देख सकते हो कामायनी, ठीक है, दूसरा आप लोग देख सकते हो मानव क्रिया का आरोप, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इनको पढ़ लेना, पढ़ पढ़ के जो भी इसका सामने सामने का वो आप लोग कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, आपका नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 4, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 4 में आप लोग देख सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है इसका। तो पहला देख सकते हो, कवि निराला ने बादलों की तुलना कैसे की है। इसी प्रकार से आप लोग दूसरा वाला पढ़ सकते हो, रस के कितने अंग होते हैं, ठीक है, गद्य की 3 मोड़ विधान लिखिए। इसी प्रकार से चौथा देख सकते हो, समाज में कितने भेद होते हैं। इस प्रकार से पाँचवा और छठवा आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, देख लीजिए, इधर नेक्स्ट में आपका देखने को मिल रहा है प्रश्न क्रमांक 5, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 में आप लोग देख सकते हैं, सत्य असत्य का चयन कर लिखिए, ठीक है। इसमें आपको सत्य असत्य लिखना है। तो जैसे कि आप लोग पहला वाला देख सकते हैं, मुख्य नायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से दूसरा देख सकते हैं, दुआ एक, यहाँ पर देखिए सममित्रित छंद है। तीसरा देख सकते हो, आदमी ने पहले, यहाँ पर देखिए पहले पहल आग का आविष्कार किया था, ठीक है। चौथा आप लोग देख सकते हैं, जो जीता ना जा सके उसे अवे, यहाँ पर देखिए अजय कहते हैं। और इसी प्रकार पांचवा देख सकते हैं आप लोग, इसमें आपका प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं गुलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग छठवा देख सकते हो, हिरोशिमा में परमाणु
यहाँ पर देखिए परमाणु बम गिरा था। तो इसी प्रकार से आपको इनको उत्तर एक वाक्य में देना है, यानी कि एक लाइन में आपको इनका उत्तर देना है। इसके बाद आपका आता है देख लीजिए प्रश्न क्रमांक छठवा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक छः में आपका देख लीजिए प्रति, यहाँ पर देखिए प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख दो विस्तार की, ठीक है, ये आपके दो दो मार्क की होने वाली हैं, ठीक है। इसके अथवा का देख सकते हो रीतिकाल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसी प्रकार से आप लोग सातवा देख सकते हैं सूरदास अथवा नागार्जुन की, यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखिए, ठीक है। ऐसे कि पहला आपको दो रचना लिखना है और दूसरे में आपको भावपक्ष, ठीक है। इसी प्रकार से आपको आठ वाले में करना है। यहाँ पर देखिए कवि आत्मकथा लिखने से क्यों, यहाँ पर देखिए बचना चाहते हैं, क्यों बचना चाहते हैं उसके बारे में लिख देना है। उसके बाद आपको अथवा वाला पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद नवा आप लोग देख सकते हैं कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, इसी प्रकार से इसके अथवा का देख सकते हैं आप लोग, अथवा का आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक दसवा आप लोग देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक दसवा आपके सामने है खंड काव्य की दो विशेषताएं लिखिए, अथवा में आप लोग देख सकते हैं श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। 11वीं में देख सकते हैं चौपाई छंदों को परिभाषित करती हुए उदाहरण साहित्य लिखिए, ठीक है। इसमें आपको उदाहरण साहित्य लिखना है देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनियोकित अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण साहित्य लिखिए। इसी प्रकार से बार बार देख सकते हैं कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए, ये हर बार आता है, कक्षा 10वीं में भी आता है, 12वीं में भी आता है, 9वीं में भी आता है, 11वीं में भी, सब में ये आता है, ठीक है। इसके अथवा का देख सकती हूँ रेखाचित्र और यहाँ पर देखिए संस्मरण में कोई दो अंतर लिखिए। इसके बाद 13वां आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 13वां देख सकते हैं आप लोग यशपाल अथवा मनु भंडारी जी का यहाँ पर देखिए साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए, ठीक है। तो इसमें आपको दो रचना लिखना है और इसमें भाषा शैली लिखना है, ठीक है, भाषा और शैली। इसके बाद आप 14वां वाले में आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। 14 के बाद आप लोग यहाँ पर देखिए 15वां वाला देख लीजिए, ठीक है। तो इसको भी आप लोग कर लेना है, 15वें का जो अथवा का है वो भी आप लोग इधर कर लेना है। अब आपको दिखाते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 16, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 16 आपको दिखाते हैं, वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को जरा सा भी आप लोग स्किप वगैरह मत करना, ठीक है। 16 वाला आप लोग देख सकते हैं निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य बनाना है मुहावरे का, ठीक है। खून पसीना एक करना तो इसको आपको मुहावरा बनाना है, दाल न गलना, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इस अथवा वाले में कर देना है, ठीक है, इसी प्रकार से। तो फिर आपको आता है 17वां देख लीजिए, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, तो इस प्रकार से इसके अथवा का कर लेना। और फिर आपका प्रश्न क्रमांक 18वें में आपको गद्यांश से एक लोग मिलते हैं, तो इनकी आपको कोई दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे, फिर भी आप लोग देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 में भी आपको गद्यांश देखने को मिलते हैं, तो गद्यांश किस प्रकार के हैं वो देख लीजिए, बट इसमें इतना बोर है नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप लोग 20वां देख सकते हैं मीठी बोली का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए, ठीक है। इसके अथवा का आप लोग कर लेना है और इसमें संवाद वगैरह लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 21 में भी आपको गद्यांश देखने को मिलते हैं, तो ये गद्यांश के क्वेश्चन है, इनको कर लेना आप लोग, ठीक है, पढ़ के। इसके बाद आपका देख लीजिए ये उसी का है आपका प्रश्न क्रमांक 21वें का, ठीक है, अथवा के। और यहाँ पर 22वां आता है, इसमें देख लीजिए नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमति, यहाँ पर देखिए सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखना है आपको, ठीक है। और इसके बाद इसके अथवा का देख सकते हैं अपने मित्र को भाई अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखना है। इसके 23वां देख सकते हैं, इसमें आपको विषय पर निबंध लिखना है किसी, तो निबंध आप लोग कौन सा लिखोगे वो आपको बता देते हैं। देखिए निबंध आपको लिखना है जीवन में खेलों का महत्व या फिर पर्यावरण प्रदूषण, दोनों में से कोई सा एक कर लेना 100% आएगा, ठीक है। तो यही था आपका पूरा का पूरा पेपर, जो कि आपको पूरा का पूरा पेपर दिखा दिया है, यही आपका।